Danu? Eh, Danu. Hello guys, welcome back to my channel. I'm missing second vlog. Start tomorrow. किससे कर रहे हैं ना ये पता नहीं आरती क्या लेके आई है खट्टा मीठा सा मतलब गाड़ी में बहुत अच्छा लग रहा है इसे खाना मतलब मन अच्छा हो रहा है नहीं मैं ही कर रहा हूं समझ से आप लोगों को दिखा दूं इसे मेरे मेकअप अच्छा हुआ है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं इसके बारे में पहले ब्लॉग में नहीं बताया था इसलिए मैं सोचा कि आप बता देती हूं बताया तो थोड़ा बहुत पार्लर में भी हां बता रही हूं मुझे मेरा मेकअप जो है वो अच्छा लग रहा है मैंने जो एक्सपेक्ट किया था हां उन्होंने ऐसे किया जो ये हेयर में लगाया हेयर स्टाइल के सब कुछ अच्छा है बट ऐसा ना गाड़ी में खिड़की खोल के चल रही हूं मेरे सारा बाल उड़ जाए एंड ये भी उन्होंने बोला कि थोड़ा सा खुल जाएगा बस ठीक है जैसा है मुझे अच्छा लगा और गाइस इस वाले व्लॉग में मैं वहाँ पहुँचूंगी तो उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने होने वाली जो भाभी है उनका फेस यानी फेस रिवील करने वाले अभी तक का जो इंतजार है वो आप लोगों का खत्म होने वाला है और आप देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि हमने अपनी लिए भाभी कैसी चुनी है एक्चुअली मैं ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोग शेयर करूँगी या शायद ये वीडियो जाने से पहले कर चुकी होंगी कि हमने कहाँ से मतलब कि ये रिश्ता कैसे जुड़ा कैसे दुल्हन को ढूंढा है या दुल्हन के घर वालों ने हमें ढूंढा है ये सारी बातें जो है मैं आप लोग दिखा ले अपना नेकलेस दिखा ले अच्छा लग रहा है तेरा भी नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है डायमंड मेरा भी अच्छा ऐसी बात वो सब कुछ बातें बताऊँगी और आप चलते हैं और अभी रास्ते में सामने मेरा भाई दिख रहा था दूसरी गाड़ी में दूसरा वाला भाई गाइस पहुंचने को तो हम पहुंच गए लेकिन हमें रास्ते में लगे 3 घंटा और इसने सबने एक एक झपकी ले ली है इनको देखिए पूरे नींद सभी सो के उठे हैं हाँ बस दूल्हा नहीं सोए उनको अंदर ज़्यादा क्या बोलते हैं उस चीज़ को उत्सुक है उत्सुक हाँ उत्सुक ज़्यादा है ना इसलिए बाकी गाड़ी चलाने वाले भी नहीं सोए हैं वो सो गए थे बोले चलो हम लोग गाइस दिल्ली पे पहुँच चुके हैं लेकिन बस अब ये नहीं बोलूँगा मज़ा की तरह बट लेट हैं मम्मी सुमित वगैरह अभी नहीं पहुँचे निकली थोड़ी देर में अभी वो लोग पहुँच जाएंगे फिर मेरे को खराब हो गाड़ी में यार इतनी देर तक हम बैठे हैं ना उनको हालत ख़राब हो गई है बैठे बैठे तो हम उन्हीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सब आ जाएंगे फिर एक साथ हम सारे एंट्री करेंगे इसलिए हम यहाँ पर खड़े सब लोग आते हैं यहाँ पर सारे लेडीज हैं जाता हुआ जो भी अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है वो यहाँ पे हुआ है यहीं से अंदर जाना है हम लोग यहीं पे खड़े हैं ये पापा इतना भी नहीं आएगा पर आ जाएगा बिना मास्क के और क्या भाई ना भाई तुम वैसे तो तुम मिलोगे नहीं लोगों से है ना भाई मैं कहाँ मिलूंगा जी जी यस बेटा जी तो मास्क तो बढ़िया लगे कहीं बिहारी छाप दंत मंजन आया निकालेगा ये हमें पता था ये देखो मम्मी ये नहीं मम्मी तो बहुत अच्छी लगी है
चलो वो आ गया गेट पे इनको भी लो हेलो हाँ आप लोग आगे ये महिला डिपार्टमेंट है and
अपने आप ही को ढूंढ रही थी एकदम से पास में आ गए। बोलो भाई कुछ हमको उधर दिख रहा है वो अमिताभ बच्चन। धनु धनु सेम सेम और बहुत सेम लग रहा है साथ में खड़े हो तो सेम सेम जाओ बाबू जाओ जाओ रिकॉर्ड करें जरूर कमेंट कीजिएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उनका जो फेस जितनी सुंदर वो है उसके हिसाब से उनका मेकअप या ज्वेलरी नहीं हो पाया था, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, बाकी पता नहीं, बट क्योंकि वो सामने से ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा स्मार्ट है, आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। कोई नहीं, आगे से और ध्यान रखेंगे, मैं भी थोड़ा ध्यान रखूँगी, अब मेरी तो भाभी हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें बरेचा रिंग सेरेमनी चुमावन भोजपुरी गीत सब कुछ देखने को मिलेगा और धनवा की मस्ती भी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।